कच्छ जिला के अबड़ासा तालुका के परम पूज्य कल्याण दास महंत ब्रह्मलीन होते हुए उनके श्रद्धालु भक्तों में शोक का माहौल छाया है। कच्छ जिला के अबड़ासा तालुका के परम पूज्य कल्याण दास महंत ब्रह्मलीन होने से आज उनके श्रद्धालु भक्तों में एक अनोखा गहरा शोक का माहौल छाया है। आश्रम में अग्नि संस्कार किया गया था। पिछले एक साल से ये आश्रम में वे स्थानिक थे। मोरबी में भी उनका एक आश्रम आया हुआ है, जहां आज उनके अग्नि संस्कार के वक्त पर शरद मुनि गुरु कल्याण दास जनादास मोरबी आश्रम परम पूज्य कुणशी नंद पाकस जागी परम पूज्य श्री शंकरानंद भारती संन्यास स्थित कई संत महंत उपस्थित रहे थे। भारती बापो, काले मने समाचार मिलया कि कल्याण दास बापो हॉस्पिटल में मांडवी मध्य देव थी गया, एटले अमे आया। भजनानंद महात्मा घना टाइम थी मांदा बीमार हता, अने पूजनीय संत उदासीन संत जेना कारणे आ जगह में आ एरिया में बहु सारा नाम कमाया। चार पांच वर्ष छ वर्ष थी यहाँ हता, सारा नाम कमाया। आज एनो अंतिम संस्कार एमा बधा साधु संतो सेवकों बच्चे थिया, लेकिन आवा संतो अमे खोया छे। एमा संतो तो मरे नहीं, पन एक आज आपना बच्चे न हो तो एक थोड़ो अफसोस थाय छे, दुख थाय छे। बाकी वे जोईए आज बे दिन पछे एना त्रीजा ने विधि थाशे, अने पछे सत्तरमो अमारा सन्यासी ने जेम सोडसी नथी थाता, एमना नियम अनुसार सत्तरमी थाय छे अने आगर सत्तरमी थाशे। तमे क्यांथी आवो छो? हूँ नारायण आश्रम मांडवी चपलेश्वर महादेव मां महंत छू हूँ, अने रापर मां अमारो एक बीजो आश्रम छे नीलपर पाटिया, अने आ मान्यूजनो मालिक जे छे जयमलसिंह जाडेजा ए एमने खबर छे, ए अमारो सेवक पण छे अने कायम अमारा आश्रम थी जोड़ायेल छे। अने हर वर्षे नारायण बापूना तिथिमां लाइव प्रोग्राम एमना तरफथी फ्री ऑफ होय छे, एटले सेवा आपे छे। अने खास करीने एक और कही दऊं, जयमलसिंह जाडेजा जे गौशालामां गायोनी सेवा करे छे, ए बहु मतलब वखान करवा लायक छे। गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री नमः। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा अने दिल्ली परिवार ना संत हमारे कल्याणदास बापू गुरु सेवादास बापू ए मोरबी में पण रहता, अने शुरुआत में अहीं कच्छनी अंदर नलिया कोठारा जे स्थान छे कामेश्वर महादेव, तो त्यां अमारे हाल में जे मुलुनमां ठाकुरदास बापू रहता था, तो एमनी साथे आ कल्याणदास बापू पण ए वखत थी अहीं रहता हता अने मोरबी पण जता हता, अने छेल्ला घणा समयथी एमनी तबियत बराबर रहती नहोती। फेफसानी अंदर एमने इन्फेक्शन ने आवा बधुं चालतुं हतुं, ने छेल्ला लगभग एकाद वर्षथी પોતે અહીંયા રહેતા હતા। કાલે શ્વાસ અને દમ અને આ થોડી તબિયત લથડી, તો અહીંના તમામ સેવકો જે છે એ સેવકો ભેગા થઈ અને માંડવી હોસ્પિટલમાં લઈ ગયેલા હતા, પણ બાપુનો સમય પૂરો થઈ ગયેલો હતો, એટલા માટે કાલે આશરે બે અઢી વાગે બાપુએ પોતાનું શરીર છોડી દીધું છે, અને પોતે ડમલીન થયા ત્યાર પછી સેવકોએ અને કચ્છના સંતો જે કહે છે એમણે સમાચાર મોકલા બાપુ બ્રહ્મલીન થયા છે, અને તમામ સંતો જેણે જેને જાણ થઈ છે એ તમામ સંતો મોરબીથી આવેલા છે, માવલીથી આવેલા છે, પછી ઢસાબાજુથી આવેલા છે, અને કચ્છના સંતો જે છે ખડદર્શન મંડળના સંતો પધાર્યા છે, અને મોરબીથી પણ બાપુના જે અનન્ય સેવકો જે છે એ અને અહીંયા કોઠારા અને કચ્છના જે કંઈ સેવકો છે એ તમામ સેવકો મળી આજે આ કામેશ્વર મહાદેવના પટાંગણની અંદર આજે બાપુના અગ્નિ સંસ્કારની વિધિ અત્યારે સંપન્ન કરેલી છે।